हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मैंगो आम का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो कौन कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है। दोस्तों, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि लगभग लगभग आम की यानी मैंगो की क्वालिटी हिंदुस्तान में ही 1000 तरह की है ना, 1000 तरह की क्वालिटी। लेकिन अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मैं कौन सी क्वालिटी का सिलेक्शन करूंगा, कौन सी क्वालिटी ज्यादा बिकती है, कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो कौन सी स्टेट से आपको आम सस्ते मिलेंगे, कौन सी क्वालिटी मिलेगी और कौन से देशों में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मेरी एक राय है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तभी उसका बिजनेस कर पाएंगे। आप चाहे लेदर प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करें, चाहे गारमेंट का सिलेक्शन करें, चाहे फ्रूट्स का सिलेक्शन करें, चाहे वेजिटेबल्स का सिलेक्शन करें, चाहे किसी केमिकल का, जेमसन ज्वेलरी, वट एवर, जिसका जिस प्रोडक्ट का मर्जी सिलेक्शन करें, लेकिन आपको क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कहाँ से सस्ता मिलेगा ये पता होना चाहिए। बात करते हैं मैंगो की यानी आम की। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैंगो की सबसे अच्छी क्वालिटी के बारे में, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, कंपटीशन बिल्कुल कम है और आपको मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। मैंगो की एक क्वालिटी है अल्फोंसो। दोस्तों, ये क्वालिटी या मैं कहूं इस क्वालिटी की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत है और इस क्वालिटी को किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है। बड़े बड़े देशों में इसकी डिमांड अनलिमिटेड है, खाने वाले बहुत हैं। और अगर आपको मैं बात बताऊं कि ये सस्ता कौन सी स्टेट से मिलेगा तो ये सस्ता मिलेगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है और हमारे इंडिया में तो बहुत कम आता है, ज्यादातर प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सपोर्ट ही किया जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, अभी कंट्रीज के बारे में भी बताऊंगा और ज्यादा क्वालिटीज के बारे में भी बताऊंगा, तो आप अल्फोंसो का सिलेक्शन करें और उसको एक्सपोर्ट करें। अब बात करते हैं, ये तो हुई महाराष्ट्र की, मैं किस स्टेट में रहता हूं, क्या मेरी स्टेट में आम का बिजनेस होता है, क्या मेरी स्टेट से एक्सपोर्ट होता है, क्या मेरी स्टेट में क्वालिटी अवेलेबल है और अगर है तो कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। चलिए बताता हूं आपको स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट में कौन कौन सी आम की क्वालिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं या उसके नियर बाय रहते हैं तो आंध्र प्रदेश से आप एक क्वालिटी है बंगनापल्ली, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आम की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एक क्वालिटी है स्वर्ण रेखा, एक क्वालिटी है नीलम और एक क्वालिटी है तोतापुरी। उम्मीद करता हूं शायद आपने इनमें से किसी आम की क्वालिटी का नाम पहले भी सुना हुआ होगा। ये थी आंध्र प्रदेश की बात कि आंध्र प्रदेश में आम की कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। चलिए अब चलते हैं बिहार। बिहार में जो अच्छी क्वालिटी के आम है उनमें है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी आम, फाजली, गुलाब खस, किशन भोग, हिमसागर, जरदालू और लंगड़ा आम। अब हम चलते हैं अगली स्टेट पे, जो है गुजरात। अगर बात करूं गुजरात की तो गुजरात में आपको कौन कौन सी क्वालिटी मिलेगी। गुजरात में आपको मिलेगी केसर, अल्फोंसो, राजापुरी, तोतापुरी, नीलम, लंगड़ा और दशहरी। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको अल्फोंसो के बारे में बताया था, तो गुजरात में आपको अल्फोंसो मिल सकता है।
इसके बाद चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में कौन सी क्वालिटी मिलेगी? हरियाणा में मिलेगा आपको चौसा, दशहरी और लंगड़ा आम। इसके बाद चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आपको मिलेगा अल्फोंजो, और उसके बाद तोतापुरी, उसके बाद पायरी, नीलम, मलगोवा और बंगनापल्ली। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में भी आपको अल्फोंजो मिलेगा। तो यानी अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए ये लॉटरी का सौदा है। अल्फोंजो के अलावा आपको वहां पे बॉम्बे ग्रीन मिलेगा, दशहरी मिलेगा, फाजली मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा और नीलम भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। जैसा कि मैंने महाराष्ट्र में बताया था कि अल्फोंजो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा रत्नागिरी में, और केसर भी मिलेगा और पायरी भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपको मिलेगा चौसा, दशहरी और मालदा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको मिलेगा बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मिलेगा आपको अल्फोंजो, तोतापुरी, बंगनापल्ली और नीलम। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा। इसके बाद ले चलता हूं मैं आपको वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा फाजली, गुलाब खस, हिमसागर, किशनभोग, लंगड़ा और बॉम्बे ग्रीन। दोस्तों ये थी आम की क्वालिटी और कौन सी स्टेट से कौन सी क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, जैसे अगर हम दशहरी की बात करूं तो दशहरी आम बहुत अच्छा मीठा होता है। अगर मैं बात करूं चौसे आम की, तो चौसे आम में थोड़ी आपको खटास मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं गुलाब खस की, तो गुलाब खस में भी थोड़ी खटास होती है। दोस्तों आम की क्वालिटी बहुत मैटर करती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आम आपको आप मिक्स कर दें और बायर को पता नहीं चलेगा कि ये क्वालिटी कौन सी है। जो भी बायर आपसे मैंगो ले रहा है उसको ए टू जेड उसकी क्वालिटी के बारे में पता है। कई बार हम क्या करते हैं, आम की पेटी में मिक्सिंग कर देते हैं, भैया अल्फोंजो मांगा है, दो चार पीस डाल के भेज दिए। अगर आपने ऐसा किया तो कल को इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन में आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको क्या होगा, लॉस। हमारी एक कोशिश यह रहती है कि आपका लॉस बिल्कुल ना होने दे। आपको समझाएं बिजनेस कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आम का, कह सकते हैं नंबर वन एक्सपोर्टर। तो आप खुद सोचिए, जब इंडिया नंबर वन एक्सपोर्टर है तो आपको कितना काम मिलेगा, कितना बिजनेस मिलेगा। तभी तो बार बार कहता हूं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनमें आपको लगभग 100% से लेकर 200% तक मिनिमम मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। वो देश है जापान, फ्रांस, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, चाइना, जर्मनी, यूके, ओमान। ये ऐसे देश हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छे मार्जिन मिलेंगे, कंपटीशन कम मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा फ्रूट्स में मार्जिन आपको ज्यादा मिलता है, वेजिटेबल में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स जो है उसकी मार्केट वेजिटेबल से कहीं ज्यादा है। तो जब भी आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।